यात्रा श्री हेमकुंड साहिब 2023। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, यात्रा श्री हेमकुंड साहिब जो कि उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध अते सब तो कठिन यात्रा में एक यात्रा है, जिहड़ा कि यह यात्रा गर्मियों मई जून तो शुरू होकर सितंबर अक्टूबर तक चलने वाली यह यात्रा भारत की सब तो औखिया यात्रा में एक है, जिहड़ा कि इस स्थान पर दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पिछले जन्म यानी कि पूर्व जन्म के तप स्थान इस जगह पर तप किया। उस जगह को तप स्थान गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के नाम से जाने जाता है। तो आज की इस वीडियो आप तप स्थान गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की 2023 होने वाली यात्रा के बारे दस तो बने रहो इस वीडियो के नाल। हाँ, तुहाडे नाल इह रिक्वेस्ट है कि जिहड़े वीरां ने अजे तक इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है, कृपा करके इस वीडियो नूं लाइक शेयर के नाल नाल चैनल नूं सबसक्राइब करके घंटी के निशान नूं जरूर दब लो, ताकि जो भी वीडियो असीं अपलोड करिए उसका नोटिफिकेशन सारे नाल पहलां तुहानूं मिले। श्री हेमकुंड साहिब। गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहिब भारत के उत्तराखंड चमोली जिले के वसया एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। अते इस स्थान नूं दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पूर्व जन्म के नाल संबंधित है। दसया जाता है कि इस जगह पर दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पिछले जन्म में इत्थे तप किया सी। अते ए स्थान अज सिख धर्म में एक बड़ी ही वड्डी महानता रखता है। सत पर्वतों के शिखरों नाल घिरिया होया अते समुद्र तल तो 4000 तो भी वध मीटर की उचाई पर यह स्थान स्थित है। ज़्यादा उचाई पर होने के कारण यह स्थान लगभग इत्थे बर्फ नाल ही ढकया रहिंदा है। सिर्फ इहदी यात्रा मई जून तो लैके सितंबर अक्टूबर तक ही चलती है। यदि यात्रा की शुरुआत की गल करिए ऋषिकेश तो लगभग कोई 270 किलोमीटर के आस पास है गोबिंद घाट। गोबिंद घाट तक बहुत ही आसानी नाल जाया जा सकता है, पर उत्थों गोबिंद घाट तो लैके फिर खड़ी चढ़ाई का सामना करना पैंदा है। उत्थों जो खड़ी चढ़ाई का या तो पैदल ही जाया जा सकता है या उत्थे खच्चर पेठू या पालकी के द्वारा ही जाया जा सकता है। इस तो अलावा हैलीकॉप्टर की सेवा भी उपलब्ध है, जो कि गोबिंद घाट तो लैके गोबिंद धाम तक जिन्हों कोई गांगरियाँ आखते हैं उस जगह तक सेवा जो कि हैलीकॉप्टर की भी उपलब्ध है। और गोबिंद घाट तो लैके गोबिंद धाम तक तुम हैलीकॉप्टर के जरिए जा सकते हो। ता उस तो बाद 6 से 7 किलोमीटर की यात्रा जड़ी गोबिंद धाम तो लैके श्री हेमकुंड साहिब की वो पैदल ही करनी होंगी है, जिहड़ा कि बहुत ही खड़ी चढ़ाई का सामना करके गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब तक जाया जा सकता है। तो इस तरह ऋषिकेश तो हेमकुंड साहिब की दूरी 280 से 290 किलोमीटर के आस पास है, जो कि गोबिंद घाट तक ऋषिकेश तो बहुत ही आसानी नाल जाया जा सकता है। उस तो अलावा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का पहला पड़ाव गोबिंद घाट है, और गोबिंद घाट तो लैके गोबिंद धाम का जो यात्रा का दूसरा पड़ाव है। गोबिंद घाट तो लैके गोबिंद धाम की दूरी है वह 13 से 14 किलोमीटर है, और गोबिंद धाम तो लैके श्री हेमकुंड साहिब की दूरी है वह 6 से 7 किलोमीटर। जेकर आप रात को ठहरण की लंगर की व्यवस्था की गल करिए ऋषिकेश तो लैके गोबिंद धाम तक पूरी व्यवस्था है। ऋषिकेश भी एक बहुत ही सोहना और बहुत ही शानदार गुरद्वारा है, जिथे कि लंगर की रात को ठहरण की व्यवस्था है। जेकर आप गोबिंद घाट की गल करिए इतने भी गुरद्वारा साहिब सुशोभित है, जिथे कि संगतों वास्ते पूरा इंतजाम है, जो कि संगतां इत्थे रात्रि नूं विश्राम करके अगली यात्रा की शुरुआत करदियां हन। इत्थे भी लंगर की रात नूं ठहरण की पूरी व्यवस्था है। उस तों बाद गल करिए गोबिंद धाम की, जो कि उत्थे भी गुरद्वारा साहिब सुशोभित है, उत्थे एक रात्रि उत्थे विश्राम करके संगतां अगले पड़ाव नूं यानी कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब नूं चाले पाउंदियां हन। उस तों बाद जिहड़ी 6-7 किलोमीटर की यात्रा एक दिन च कंप्लीट करके वापसी करनी पैंदी है, क्योंकि श्री हेमकुंड साहिब विच रहण दी उत्थे ठहरण दी व्यवस्था नहीं है। इस तरह संगतां सारे यात्री गोबिंद धाम नूं वापसी कर लैंदे हन एक दिन की यात्रा पूरी करके। गोबिंद धाम तो लैके एक दिन की यात्रा की गल करिए 14 से 15 किलोमीटर की यात्रा आन जाण दी बन जाती है। तो इस वेरी 2023 की यात्रा की गल करिए जिस तरह अपडेट आई है कि 20 मई तो यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो सात संगत जी, 20 मई तो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिते जाणगे अते यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो अज दी सी साडी ए वीडियो, अज दी वीडियो तुहानू किवें लगी कृपा कमेंट करके जरूर दस्यो, अते कमेंट बॉक्स च वाहिगुरु लिख के अपनी हाजिरी जरूर लायो। तो अज दी इस वीडियो नूं आपां इत्थे समाप्त करांगे, तो मिलांगे किसी होर वीडियो च। उदों तक वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।